हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम है राजीव और आज हम बात करेंगे फैट लॉस के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले फैट लॉस के लिए आपको अपने बॉडी टाइप के बारे में जानना पड़ेगा। आपका बॉडी टाइप, बॉडी टाइप वैसे तो तीन टाइप के होते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। जो एक्टोमॉर्फ होता है वो इजिली वेट लूज कर सकता है, बट वो इजीली वेट गेन नहीं कर सकते हैं। जो मेसोमॉर्फ होते हैं वो बीच में होते हैं, काइंड ऑफ वो इजीली ही वेट गेन कर सकते हैं, इजीली ही वेट लॉस कर सकते हैं। और जो एंडोमॉर्फ होते हैं वो इजीली वेट गेन कर सकते हैं, बट दे कांट इजीली लूज बॉडी वेट। ठीक है गाइस, इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। आपको अपना बॉडी टाइप फाइंड आउट करना है कि मैं किस बॉडी टाइप में लाइक करता हूँ। फिर उसके लिए हर बॉडी टाइप के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होती हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है। ठीक है गाइस, तो गाइस फैट लॉस कब होता है? तो गाइस, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ठीक है गाइस, जब भी हम खाना खाते हैं तो वो इंसुलिन राइज करता है, स्पाइक करता है। इंसुलिन का जो काम होता है, बेसिकली इंसुलिन का जो काम है वो ग्लूकोज को हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उन तक कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह पहुंचाना काम होता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज के जो ग्लाइकोजन टैंक होते हैं हमारे सेल्स में, जब वो फिलअप हो जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज और वगैरह होता है वो सब एडिपोज टिश्यू यानी फैट सेल में स्टोर हो जाते हैं और आप फैट स्टोर करने लग जाते हो। ठीक है गाइस, तो फैट लॉस कब होगा? फैट लॉस तब होगा जब हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो कम होगा, जब बहुत यानी हमारा जो इंसुलिन पूरे दिन में इंसुलिन लेवल स्पाइक ना करे। ठीक है गाइस, तब हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली जो स्टोर फैट होता है उसे यूज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बताऊंगा आप ये कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, आप क्या कर सकते हैं, जो आप अपने डेली की रूटीन में ऐसा क्या चेंज करें जो आप फैट लॉस कर सकते हैं? तो गाइस, फैट लॉस के लिए कुछ नहीं है, आपको बस ऐसा खाना नहीं खाना है जो आपका इंसुलिन स्पाइक करे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले चीनी, जितनी भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इंसुलिन स्पाइक करते हैं, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है गाइस, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब आपका इंसुलिन स्पाइक करते हैं। ठीक है, जैसे कि चीनी है, चीनी मोनोसैकेराइड है। ठीक है, जब हम चाय में उसे डाल के डेली पीते हैं तो वो हमारा एकदम से इंसुलिन स्पाइक करता है, और जो चीनी होती है चीनी एज अ फैट स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन मेक योर ओन डाइट प्लान। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा डाइट कैसे वर्क करती है। तो गाइस, जब भी आप अपने मेंटेनेंस कार्बोहाइड्रेट से कम कार्ब्स खाते हैं तो आपका फैट लॉस होता है, और जब आप अपने मेंटेनेंस कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा कार्ब्स खाते हैं तो आपका वेट गेन होता है। ठीक है गाइस, तो अब आपको क्या करना है, आपको एक कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट। ठीक है गाइस, तो आप ये कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आप क्या क्या खाते हैं उस चीज के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा मैं ये चीज खाता हूँ तो इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कितना क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितनी शुगर होती है। और गाइस बिलीव मी, अगर आपको फैट लॉस करना है तो सबसे पहले बाहर से चीजें लेना खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि गाइस हमें इसमें पता नहीं होता है इसके रियल कंटेंट है क्या, उसमें हिडन शुगर्स वगैरह होती है जो हमारा फैट लॉस नहीं है, वो हमारा इंसुलिन स्पाइक कर देती है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले देखिए आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरीज काउंट करनी पड़ेगी, जो कि आप नेट पे गूगल पे डालिए, तो गूगल पे डालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे करनी है। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर हैं जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी
कैलोरीज खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। फिर उसके बाद आपको अपनी डाइट ऐसे कैलकुलेट करनी है कि आप वेट लॉस अचीव कर पाए। उसके लिए आपको जैसे सपोज आपको 2000 कैलोरीज चाहिए अपना वेट मेंटेन करने के लिए, तो जाहिर सी बात है आपको फैट लॉस करने के लिए 2000 कैलोरीज से कम कैलोरीज खानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप अपनी डाइट में से 500 कैलोरीज कम कैसे करेंगे। सपोज एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, सपोज कि आप दिन में 6 रोटी खाते हैं, ठीक है सर, ठीक है, जैसे आप 6 रोटी खाते हैं और 6 रोटी को जो कैलकुलेट करते हैं वो हो गया आपका 2000 कैलोरीज, ठीक है। तो अब आपको कट डाउन करना है, तो आप उसमें से 2 रोटी निकाल दीजिए, ठीक है। मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि 2000 कैलोरीज है, तो आप उसमें से इतनी रोटी निकाल दीजिए, आपकी कैलोरीज डेफिशिएट में चली जाएंगी और आपको वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या प्रेफर करता हूँ, जैसे गाइस जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए फैट लॉस करना इजी होता है, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी वैरायटी ऑफ फूड होते हैं जो बिल्कुल जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो बहुत इजीली खा सकते हैं, अपने अपने स्टमक को फिल अप कर सकते हैं और भूख ना लगे और इंसुलिन स्पाइक ना हो, ऐसा बहुत सा खाना होता है नॉन वेजिटेरियन के लिए। तो गाइस मैं हमेशा ऐसे वेट लॉस करता हूँ कि ना मैं कीटो में हूँ और ना ही मैं अपनी कार्ब ज़्यादा खाता हूँ, बिल्कुल अपने बॉर्डर पर रहता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करता हूँ कि जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं एग खाता हूँ, ठीक है, पूरे दिन में मैं 10 अंडे खाता हूँ, ठीक है, 10 अंडे खाता हूँ, चाहे तो उसे मैं 3 टाइम में खाऊं, 2 टाइम में खाऊं, 1 टाइम में खाऊं। जब भी कभी कभार मुझे ज्यादा क्रेविंग होती है, एक रोटी दो रोटी या कभी सब्जी खा ली, बस ऐसे करता हूँ, ठीक है। और अपनी डिशेस को मैं डिस्कवर करता रहता हूँ, कभी अंडे में सब्जी मिला दी या कुछ भी कर दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा कि और अपनी डिशेस, और गाइस बिलीव मी जो फैट लॉस होता है बहुत इजी है, बस तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और पेशेंस। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, वर्कआउट करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। नेट से सिर्फ आप यही जान सकते हैं कि जो बेसिक होता है वो मैंने आपको बता ही दिया, नेट से बस आपको यही पता चलेगा कि ये होता है ये होता है। नेट से जब तक आप अपना डाइट प्लान खुद प्लान नहीं करेंगे तब तक आप वेट लॉस इजिली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि इस चीज़ में क्या है इस चीज़ में क्या नहीं है, तो आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अपने ब्लॉग में एक सैम्पल डाइट प्लान बना के रखा हुआ है कि एक वेजिटेरियन को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं, और मैंने उस ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, तो आप गाइस देख लेना वहाँ पे। और तो गाइस सबसे मेन चीज, जैसे ही आप वेट लॉस में जाएंगे आपको सडनली वेट ड्रॉप हुआ, क्योंकि क्या होता है जो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कम होते जा रहा है, ठीक है, जो ग्लाइकोजन टैंक है वो कम हो रहे हैं, और जो आपको पता ही है वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो वाटर को होल्ड करते हैं हमारे बॉडी में। तो जो स्टार्टिंग के बीच में जो सडन वेट लॉस होता है वो पूरा वेट लॉस वाटर वेट होता है, वो पूरा वाटर वेट होता है जो हमारी बॉडी से फ्लश आउट होता जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जब हम वेट लॉस करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा वेट अब स्टॉप हो गया है बिल्कुल, अब वेट बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है, जो भी है बिल्कुल ही स्टॉप हो गया। तो आपको पता होगा कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो एक सर्वाइवल मशीन है, तो हमारी बॉडी उसी हिसाब से एडजस्ट कर देती है कि ये बंदा का जो कैलोरी इनटेक है वो कम है और मुझे अब जितनी भी एक्टिविटीज करनी है उतनी ही कैलोरीज में करनी है, इससे ज़्यादा वेस्ट नहीं करनी है, तो वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और आपका वेट लॉस बिल्कुल स्टॉप हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो उसको टैकल करने के लिए चीट मील, तो आप हफ्ते में एक बार चीट मील ले सकते हैं, उसमें आप कुछ भी खाइए, बस कोशिश कीजिए ज़्यादा ना खाइए, बस अपना फेवरेट चीज़ है वो खाइए, ठीक है गाइस। और फिर जैसे ही आप चीट मील लेंगे
आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि आपका वेट फिर से 1 केजी 1.5 केजी 2 केजी बढ़ गया है। तो गाइस बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, ये जो वेट गेन होता है इसके लिए वाटर वेट होता है, ये इजीली ही वेट लूज हो। नेक्स्ट वीक जब आप अपनी पूरी डाइट से निकलेंगे, पूरे 7 के 7 दिन कंसिस्टेंसी बनाते हुए नेक्स्ट चीट मील तक पहुंचेंगे, आपका वेट जितना लास्ट टाइम था उससे भी नीचे हो जाएगा। फिर आप चीट मील लेंगे, थोड़ा बढ़ेगा, फिर आप जब नेक्स्ट वीक अपने चीट नेक्स्ट चीट मील पे पहुंचेंगे फिर वेट ड्रॉप हो जाएगा। ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, नहीं, एक चीट मील तो चलता है यार। पूरे दिन में एक पूरे वीक में एक दिन ऐसा बनाइए कि आप जिस दिन चीट मील ले सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप चीट मील उसी दिन लें जिस दिन आप कोई बड़ी मसल को हिट करें, किसी बड़ी मसल का वर्कआउट करें, जैसे कि लेग मसल है, आप जिस दिन लेग का वर्कआउट करें उसी दिन चीट मील लें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है गाइस, और मैंने सैम्पल डाइट चार्ट बना रखा है अपने ब्लॉग में, अपना ब्लॉग का लिंक नीचे दे दूंगा। ठीक है गाइस, आई लव यू, और अगर आपको कोई हेल्प हो, अच्छा लगे, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कर दें। थैंक यू गाइस।